भाई, अभी पीछे मेरा मेरी फ्रेंड बैठी है बच्चे वाली, और अपना मूड नहीं दिखाना चाह रही हो कि लोग देखेंगे करके। बड़ी समस्या आ गई, मेरा कार्ड काम कर नहीं रहा है। HDFC का है, HDFC का कार्ड है, तो इसका चिप जो है ख़राब हो गया है। मैंने पैसे निकाले, पैसे निकले नहीं। HDFC में मैंने एक दो बार ट्राई किया था, ATM में निकले नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो इसका चिप है ना, चिप ही है, ये चिप में दिक्कत आ गई है। मैं सोचा कि एक बार यहाँ ट्राई करूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उसको ट्राई। तो एक्चुअली मैं मार्केट आया था, मार्केट वो आप मार्केट करूँ कैसे यार, पैसे है नहीं, और लग रहा है किसी भाई बंधु को पकड़ना पड़ेगा पैसों के लिए, उसके इसमें गूगल पे करना पड़ेगा, तो उसके बाद निकालना पड़ेगा। मेरा ये HDFC का कार्ड काम करेगा, तो मार्केट आया हूँ, आप देखी रहो। और मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, सामान लेना था, और कहीं और जाना था, चीज़ें देखता हूँ आगे क्या होता है। रुके हैं फल फ्रूट की दुकान पर। केले क्या दिया, कैसे दिया ताऊ? केले 50 और लीची हैं 180। मिठाई का भाव छू रही है अभी तो। और सेब हैं 150-160। ये बाहर का ही सेब है ना सारा? ये क्या चेरी है? चेरी क्या रेट है? एक दर्जन केले दे दो। और पपीता क्या रेट दिया? पपीता 50। अरे फल फ्रूट तो बहुत महंगा है, सेब भी महंगा है, अनार भी महंगा है, और खाली केले सस्ते हैं, और आलू बखोरू, और ये आड़ू, आड़ू क्या रेट दिए? 100 रुपये। वो है यार, आते हम रास्ता भटक गए, आए थे हम सिस्टर के वहाँ, तो रास्ता भटक गए, शायद वो आ रहा होगा। हम एक बार घर से आए थे, ये है डम्बा डम्बा कुमाऊँ कॉलोनी, पूरा कमाओ कॉलोनी है डम्बा डम्बा हल्द्वानी। भांजा हम तो भूल गए हैं वहाँ से, और भी वापस आ रहे हैं वहाँ से। ओ वहाँ पर से तो नया मकान बन रहा था ना, वहाँ पर थे। और ठीक है, हमारा है नाती, ये हमारा नाती है, और ये बहुत बदमाश हो गया है आजकल। और इसने उसने मैं चश्मा तोड़ दिया, चश्मा इधर लाओ, इधर चश्मा छोड़ो, अरे चश्मा तोड़ देगा, चश्मा तोड़ देगा, टूट जाएगा, छोड़ो चश्मा। ऐसे भाई तुम चश्मा तोड़ दो ना मेरा, मेरा चश्मा तो बड़ी मुश्किल से बना रखा मैंने चश्मा। ये है डम्बा डम्बे का लोकेशन, पहाड़ का मस्त नज़ारा। हम आए थे अपने कोई मित्र के वहाँ, सिस्टर रहती है, तो उस वहाँ आया था, तो आपको दिखा रहा हूँ कुमाऊँ कॉलोनी दम्मा ढुआ हल्द्वानी काठ गोदाम। दोस्तों 10-15 साल पहले यहाँ जो है ना पूरा जंगल हुआ करता था, पूरा इस क्षेत्र में पूरा जो है जंगल हुआ करता था, यहाँ कोई लोग बहुत कम लोग बसते थे। और आज देखो यहाँ की ज़मीन इतनी महंगी हो गई, यहाँ के बराबर महंगी ज़मीन कहीं और नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है और पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ की जड़ पर है पहाड़ी क्षेत्र, और शाम के टाइम हवा और पानी ठंडा मस्त, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की ज़मीन इतनी महंगी हो चुकी है, क्या बताऊँ, और हर कोई यहाँ बसना चाहता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो बाहर देश विदेश काम करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और हर कोई जो है यहाँ बसना चाहता है, क्योंकि यहाँ का लोकेशन ही इतना अच्छा है, प्यारा, क्या बताऊँ। काठगोदाम से ऊपर को आओ तो पहाड़ी क्षेत्र लग जाता है, तो लोग सब यहीं बसना चाहते हैं और यहीं ज़मीन लेना चाहते हैं, तो इतनी ज़मीन महंगी होगी। पहले तो जंगल हुआ करता था, अब देखो इतनी बस्ती बस गई, इतने लोग बस गए, क्या बताऊँ।